अफराद के हाथों में है अक्वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मुकद्दर के इन सितारों की ताबनाकी का तमाम दारोमदार इस बात पर होता है कि बचपन में इनकी ज़हनी पर्दाख्त पर कितनी तवज्जो दी गई। 20 नवंबर को हर साल मनाए जाने वाले आलमी यौम इत्फाल पर दुनिया तजदीद अहद करती है कि वह अपने मुस्तकबिल के मेहमानों को ना सिर्फ सेहत, तालीम, खुराक और रिहाइश की बेहतरीन सहूलतें मुहैया करने के लिए कोशा रहेगी, बल्कि इनके मुस्तकबिल की हिफाजत की जिम्मेदारी उठाने का इरादा भी करती है। गुर्बत, माशी नाहमवारी और करप्शन में बेमिसल रिकॉर्ड करते हुए हमारे मुल्क की 18 करोड़ आबादी का एक बड़ा हिस्सा बच्चों पर मुश्तमिल है। अच्छी खुराक और मुनासिब तालीम और रिहाइश तो दूर की बात, सेहत की बुनियादी सहूलतें भी इनमें से बेशतर को मैसर नहीं। और जहां जिस्मानी सेहत का ये आलम हो, वहां जहनी और नफसियाती नशोनुमा का ख्याल कैसे आ सकता है। हाँ, ये क्या जरूर किया जा सकता है कि हर पल बेयकीनी के आलम में जिंदगी गुजारने का अमल इनके नफसियात पर किस कदर मनफी असरात डाल रहा होगा। पाकिस्तान में बच्चों की हालत सुधारने के लिए जहां जामे मंसूबा बंदी और मजीद कवानीन बनाने की जरूरत है, वहां इन तमाम मंसूबों और कवानीन पर नेक नियति से अमल दरामद उससे भी ज्यादा जरूरी है।